मस्त वाली बात, मुकदमा किस चीज का आप करोगे बताओ मुझे, आप बताओ। चलो मुझे बताओ किस चीज का मुकदमा, बताओ ऑन कैमरा, इनको रहने दो, नहीं आप बताओ किस चीज का मुकदमा एक पत्रकार के ऊपर आप करेंगे। आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुशील पाल है, हमारा अधिकारी अंदर बैठे हैं, उनसे बात कर लो। आपने मुझे कहा कि अगर आप अंदर जाएंगे तो आप मुकदमा दर्ज कर देंगे, आप मुकदमा दर्ज कर देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पत्रकार पे किस बात के ऊपर आप मुकदमा दर्ज करेंगे, और आपका नाम बता दीजिए, इससे मैं एसपी साहब के पास जाकर इस चीज की जानकारी भी उनको दे सकूं। बताइए मुझे, का कोई इश्यू मत बनाओ। मैं इश्यू नहीं, मैं आपसे केवल एक जानकारी चाह रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि आप किस कौन से धारा के अंदर या कौन से नियम का उल्लंघन करने पर मेरे ऊपर मुकदमा दायर करेंगे, बताइए मुझे। हमारे अधिकारी बैठे हैं, अंदर जाके बात कर लो। अधिकारी से मैं कर लूंगा, आपने जो शब्द कहे बनाने की जरूरत नहीं है, ये झूठा इश्यू नहीं। आपने नहीं कहा मुकदमा दायर करने की बात, अंदर जाके बात, आपने मुकदमे की बात नहीं की, नहीं की। ये जवान है जिन्होंने हमें कहा है कि अगर आप अंदर जाएंगे तो आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, और जब हमने कहा कि किस नियम के विरुद्ध हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा ये तक हमें नहीं बताया। तमाम यहाँ पर सैकड़ों छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सामने इस तरीके से कहा कि अगर आप अंदर जाते हैं तो आपके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। एनपीटीवी इंडिया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस किस नियम के विरुद्ध हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी।